नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब में अशांति फैलाने के मकसद से शरारती तत्व श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी की घटना को अंजाम दे रहे, ये कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का। वही पंजाब की राजनीति पर पूछे गए सवाल सुच्चा सिंह छोटेपुर और दूसरी राजनीतिक दलों की तरफ से बनाए जाने वाले फ्रंट के बारे में बादल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब में चाहे 10 ऐसे फ्रंट बने, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। पंजाब के लोग जानते हैं कि कौन सी पार्टी पंजाब के हितों में काम करती है। कोई माड़े बंदे, गलत बंदे, ये घटना जो पंजाब का अमन शांति भंग करना चाहती है, कोई ना कोई शरारती बंदे है जी, नहीं कोई सही सोच वाला बंदा है जी, सोच सकता यह गलती बुझे बजर पाप कर रहा कोई, पता नहीं फिर कर मैं के रोक सकता किसी ना, मैं रोक सकता बना लें जी, भावे 10 बना लें कोई सर जी। दिस इज टू बी डिसाइडेड बाई द सेंटर, वो सारा देखना, उन्होंने वेखना है। जे स्टेटा अपनी अपनी राय देन लग जाण तो चंगा नहीं होंगे देश दे। रात मोदी साहब की तकरीर सी तुम सुनी है, वो सारा कुछ उन्होंने दस। देखो ये जो होंगे जंग का फैसला या जंग का, यह सारा सेंटर गवर्नमेंट दे प्लानिंग होंगी। जे असी आपो ना अपन राय देन लग जाइए तो कोई चंगा नहीं। मेरा मतलब जो मर्जी आन जी वेलकम, मैं कुछ नहीं कहना जी, मैं तो कोई आवे वो सारा मैं तो पंजाब च आने वेलकम है, कुछ आती मेरा किसी न झगड़ा नहीं, मेरा किसी नहीं। पंजाब के लोग समझ समझते हैं कि साड़ी बागडोर किसके हाथ च हो, जिहड़ा सानू किसे मंजिल ते पहुँचा दे। जो श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी ने चित किया है सब नू पता, साडा रिश्ता भरावां वर्गा है, बैठ के फैसले होंगे। आपने सुना पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को, मगर असली फैसला पंजाब की जनता का है। आखिर पंजाब की डोर पंजाबियों को मिलती है या बाहरी लोगों को? पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने अपने निजी हलका लंबी के 8 के करीब गांव में संगत दर्शन किए और गांव के विकास के लिए दी लाखों रुपए की सहायता। पंजाब सरकार की तरफ से पूरे पंजाब में शुरू किए गए कार्यक्रमों के तहत संगत दर्शन की लड़ी को आगे बढ़ते हुए अपने निजी हलका लंबी के एक दिन के संगत दर्शन किए, जिनमें गांव तखवाली, बुल्लरवाला, भिट्टीवाला, मिद्दूखेड़ा, मोहन लुहार, घुमियारा, चकमिंदू सिंह वाला आदि, इन सब गांव में संगत दर्शन के दौरान इन गांव के लोगों की मुश्किलें सुनी और हल करने के लिए उनके साथ आए सभी विभागों के अधिकारियों सभी को जल्द हल करने के निर्देश दिए। वहीं इस संगत दर्शन के दौरान प्रकाश सिंह बादल ने विरोधी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब भी दिए। आइए सुनते हैं। मेरे ख्याल आज मीटिंग है कैबिनेट दी, उन्होंने डिसाइड करना है। देखो मैं जेडे सेंटर ने फैसले करने होना, जो उन्होंने को सारी बेहतर नॉलेज होंगी है, मैं एवं बिच मैं तो इस चीज़ को समझदा कि सब तो नुकसान ये होंगे, पर पाकिस्तान भी देखने की लड़ है ना, भी कोई यह गल ना करे, उन्होंने भी नुकसान होना है, वो भी पंजाब नाल वाले का नुकसान होना अपना होना है। ये इलेक्शन कमीशन आखो जी, वो इलेक्शन कमीशन आखन क्योंकि सारा यदा कंट्रोल होंगे, किसी सरकार का नहीं होंगे, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਦੀ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੰਗੋ ਕੀ ਬੇਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ ਕੋ ਹਿਰਾਸਤ ਮੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਪੁਲਿਸ 36 ਘੰਟੇ ਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੇ ਧਰਨੇ ਕੋ ਹਟਵਾ ਦਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਕਰ ਉਸਕੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਆ ਥਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹਿਰ ਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੰਗ ਕੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸਕਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣਾ ਅਭੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। आइए सुनते हैं पुलिस कमिश्नर अर्पित शुक्ला को और सुखजीत सिंह खोसे को। कल सवेरे जलंधर कपूरथला रोड से एक नहर के उत्तों एक गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मसला सामने आया सी, जिदे विच गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग सानू मिले सी और जल्द में मिले। उस संबंध में शहर के सिख तालमेल कमेटी और होर जथेबंद वालों धरना लाया गया सी, काफ़ी लोगों के रोस से इस तफ्तीश के संबंध में अज असी अपने एस डी पी सी अमृतसर तो जिथे ये सरूप प्रिंट होंगे उन्होंने जोड़े एक्सपर्ट हैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने ये सरूप देखा और ये पाया कि ये जोड़ा सरूप है ये 1987 का है और ये
किसी ने उस वेले जिवें प्रिंट हुंदा सी वो तैयार किया और उस दे बाद इस दी बेअदबी हुण होई है। सानूं पता लग्या उस तों देख के कि कोई एक फर्म है अमृतसर दी जिहड़ी इस नूं छापदी है। उसके ओनर रघवीर सिंह उत्थे अमृतसर विच राउंडअप किया गया है और सवेरे साड़ी टीम जाके और सारी तफ्तीश अगे दी करेगी कि उन्हां तों किस कोल गया या उन्हां कोल सी या होर किस कोल सी और किसने इस तरह का काम किया। उदों ही दस्या जाएगा। सात दिन का टाइम दिता गया जी? सात दिन का, क्योंकि अज परचा दर्ज हो चुका। सानू तो विश्वास भी दवाया गया कि फड़े गए ने, एफ आई आर की कापी भी मिल गई है, सोशल मीडिया राही पता भी लग गया कि रेड हुई है जी, गिरफ्तार हो गए ने। पर जिन्ना चर पूरी पुष्टि नहीं होंगी उन्ना चर कोई कहना औखी गल आ। पर अदरवाइज जे कोई आनाकानी होंगी है जां इस जिहड़ा समझौता होया जां जिहड़े वादे किए गए जे इहदे विच कोई गड़बड़ होंगी है तो असी जरूर एजिटेशन करके मतलब सारा विधि पूर्वक कर। हाँ जी बिल्कुल। बाबा कितने के बंदे फड़े गए? देखो जी किन्ने बंदे फड़े गए ने, प्रेस दे मालक प्रेस दे प्रेस उत्ते परचा दर्ज किया गया, जिहड़ी प्रेस दी छपाई ए बी सी की ना वो मैं नहीं जनतक करना चाहता, क्योंकि वो प्रशासन ही जनतक करे कि केड़ी प्रेस आ। प्रेस अमृतसर दी आ इन्ना मैनू पता, भावें कि असी दित्ती आ इन्हां नूं पर वो नहीं असी जनतक करांगे प्रशासन। सुखजीत सिंह खोसे। अगली खबर, पंजाब में 2017 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहां पंजाब के सभी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए तैयारियां कर रही हैं। वहीं पंजाब से बाहरी पार्टियों की भी निगाह इस चुनाव पर है। इसी को लेकर जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव रविवार को जलंधर में पहुंचे और उन्होंने यहां के प्रेस वार्ता कर प्रवासी मजदूरों को आग्रह करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जल्लाद है और वह सिख व दलित विरोधी है। आइए सुनते हैं पप्पू यादव को। यह साफ है, मैं आगाह करने आया हूं। आम आदमी पार्टी एक जल्लाद है, एक महाजल्लाद है। महाजल्लाद आम आदमी पार्टी वर्तमान, पहले यहां प्रवासियों को जिस कदर बर्बाद किया गया है, उसको वोट से वंचित किया गया, उसको आधार कार्ड से। प्रवासियों की एक बड़ी लड़ाई यंग छेड़ेगी हमारी छात्र परिषद, उसके खिलाफ महाजंग लड़ने की जरूरत। मैं यहाँ स्पष्ट रूप से ये आगाह करने आया हूँ, यहाँ पर लगातार कभी कुरान, कभी गीता, कभी ग्रंथ साहब की बेद भी, ये राजनीतिक लोग चुनाव के वक्त, चाहे अखलाक की का मामला हो चाहे कोई भी मामला, ये राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टी हमेशा से चुनाव के साल में ही इस तरह की घटना को पैदा करती है, अपने वोट के लिए, सत्ता के लिए और राजनीति करने के। किसी भी तरह के आतंक को बढ़ावा, किसी भी तरह के उन्माद में राजनीतिज्ञों का, राजनीतिक पार्टियों का योगदान है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी का है, क्योंकि खुद उसकी हर आदमी शराबी है, सेक्स रैकेटर है वो, और सिख विरोधी और दलित विरोधी है। ये मैं आगाह करने आया, इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन। जल्लाद भी फांसी का सिर्फ पैसा लेता है, आदमी आदमी को पहले मारता है, इस्तेमाल करता है और मारने के बाद पैसा वसूलता है। इसीलिए एक नई विकल्प के लिए हम यहाँ आए हैं, नवंबर में साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे, प्रवासियों के सम्मान, दलितों के और अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के पंजाब दौरे को लेकर अमृतसर पहुंचे, जहां पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बीवी राजेंद्र कौर भट्टल के केजरीवाल पर निशाना साधा। भट्टल ने कहा है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल अपने आखिरी दौरे पर हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है पार्टी का पंजाब में खात्मा शुरू हो चुका है और वह अंतिम बार पंजाब को अलविदा कहने के लिए आए हैं। आइए सुनते हैं। इसके नाल एक बदलाव पंजाब के लोग चाहते हैं, उस बदलाव में जी इलैक्शन आने वाली है सामने, साड़ी कांग्रेस पार्टी ने सारे पंजाब में 13 पार्लीमेंट्री हल्कों च वंड के सैकंड फेज शुरू होया, ताकि असं पूरी अवेयरनैस दे के पंजाब के लोग जो बदलाव चाहते उन्होंने दसीए कि कांग्रेस पार्टी मैदान जंग आ गई है, तो जी अज की मौजूदा सरकार है यदा बिस्तरा बोरी है गोल करने की सौ खाली है। तो सारा फैसला उपर करना है, छेती हो जाना है और सारे वर्गों को पूरी नुमाइंदगी मिलेगी, जिन्या भी होनगियाँ मैक्सीम जिन्नी अपलाई करनी हिसाब न। देखो इन्हों ने जिमें कल अज गुरु ग्रंथ साहब की हुई है बेअदबी, पहला भी गुरु ग्रंथ साहब की बार 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 बेअदबी होनी, मैं समझती हाँ मदभागी गल है। तो यह सरकार का जनाजा निकल गया, फेलियर सरकार की है, कली फेलियर नहीं, माड़ी नीयत है, बद नीयत है, ये सामने आई है। सिख लोग साढ़े पंजाब के लोग कहीं माफ़ नहीं कर, अखीरलियाँ दौरे है वे, केजरीवाल को पता है कि इतों पंजाब के बच्चों इस पार्टी का खात्मा शुरू हो गया, तो वो अखीरली बार अलविदा कहने वास्ते आ रहे हैं। मोगा पुलिस ने नर्स के साथ मारपीट करने वाले परमजीत सिंह और उसके बेटे गुरजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मोगा जिला के कस्बा
बागा पुराना में एक प्राइवेट अस्पताल गुप्ता नर्सिंग होम में काम कर रही नर्स लड़की के साथ बाप बेटे ने लड़की के साथ धक्का मुक्की करने और उसके साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया था, जिसमें आज पुलिस ने परमजीत सिंह को और उसके बेटे गुरजीत सिंह को धारा 451, 323, 506, 34 के अधीन गिरफ्तार कर लिया है। जो मेरे इल्जाम लगे है सब कुछ है, जो पहला था इल्जाम है कि जो मैं कल परसों का सुनी जाना है भी के सरपंच काली, मैं कोई काली नहीं, किसी पार्टी ना मेरा संबंध नहीं, असी मेरी मिसेज सरपंच है, ये मेरे लिए पता बना बहुत बड़ा झूठा था है। अस्पताल है थोड़ा जहा तलखी ना बोले, जरा मेरे बच्चे ने रुक गया, मैं उन्होंने हाथ लाया तो हड़क के डिग पी, जरा कि कह देते कलैक्ट ने, पर मैं अजय भी कहना वो लड़की मेरिया बच्चिया लगी है, कोई साडा कोई निजी राजिश नहीं, ये काली सरपंच है और मैं काली सरपंच नहीं, मेरी मिसेज सरपंच। और देखो जी वो मामला दर्ज करके मानयोग SSP साहब श्री स्नेहदीप जी शर्मा के दोषियों तुरंत जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किया जाए, जिस संबंध में असं वक् वक् टीम बना के रेड किए, तो SI वकील सिंह की पुलिस पार्टी ने उन्होंने राजा के बस स्टैंड तो अज गिरफ्तार कर। यह थी हमारी खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.com।